हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डीडी सिंह है और आज के इस बैच में मैं आपको मैथ क्लास पढ़ाऊंगा। मैथ क्लास बिलोंग्स टू दी जावा डॉट लैंग पैकेज। जो मैथ क्लास है वो जावा डॉट लैंग पैकेज को बिलोंग करती है और इसके अंदर कुछ रेडीमेड मेथड्स हैं। इन दैट वी आर हैविंग सम प्री डिफाइंड मेथड, विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन परफॉर्म द न्यूमेरिक ऑपरेशंस सच एज लाइक कैलकुलेटिंग द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, रेंडम नंबर, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस लाइक साइन, कॉस एंड टेन। ऐसी बहुत सारी चीजें इसके अंदर गिवन होती है। और बट आपको यहां पर एक बात बताना चाहूंगा, जितने भी मेथड मैथ क्लास में हैं उनसे हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। जैसे किसी नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट के लिए कोई लॉजिक नहीं लगाना। वी हैव वन रेडीमेड मेथड फॉर इट। हमारे पास इस चीज के लिए कोई ना कोई एक रेडीमेड मेथड है। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि मैथ क्लास का एक मेथड है और उस मेथड का नाम क्या बेटा, एबीएस। एबीएस बोले तो एब्सोल्यूट वैल्यू, एबीएस बोले तो क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, इस मेथड के बारे में ही बता देता हूं। इसमें अगर आपने एज अ पैरामीटर कोई नेगेटिव वैल्यू अगर दी है, कैसी वैल्यू आपने दी है, नेगेटिव, तो यह मेथड उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। यह मेथड उसे किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा, पॉजिटिव। तो एक्सेप्ट्स अ पैरामीटर ऑफ डेटा टाइप, इसमें इंटीजर, फ्लोट, लॉन्ग, डबल कुछ भी डाल सकते हैं, बट जिस तरह की वैल्यू डालेंगे उसी तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर आप इसे लेमेन भाषा में समझना चाहते हो तो बस इतना समझ लीजिए, नेगेटिव का पॉजिटिव करता है, पॉजिटिव वुड रिमेन एज इट इज, जो पॉजिटिव है वह एज इट इज सेम रहेगी। तो जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा ये -27 है, एबीएस नाम का हमने मेथड यूज किया, तो ये -27 का क्या हो गया, 27। ये -48 है तो इसका ये क्या हो गया, 48। देख रहे हैं आप, जो जो माइनस की वैल्यूज हैं उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करा रहा है। आप ये बात अच्छे से जानते होंगे कि जो चीज इनर मोस्ट होती है सबसे पहले वो चलती है, उसके बाद, तो यानी कि पहले एवीएस वाला मेथड जो है वो परफॉर्म करेगा, उसके बाद फिर प्रिंट एलन का नंबर आता है भाई। ऐसे ही हमारे पास दूसरा मेथड और है सील। वी हैव वन मोर मेथड विच इज नोन एज व्हाट, सील। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट डबल वैल्यू, राइट, रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट डबल वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट हायर इंटीजर। सील को अगर आप देसी तरीके से समझना चाहते हैं तो आप ऐसे सीलिंग, सील का मतलब सीलिंग, और सीलिंग का मतलब छत, और रूफ जो होती है वो तो ऊपर ही होती है ना, तो अगर मैं 2.3 के ऊपर भी अगर सील लगाऊं तो 3.0 आएगा। इसे मैं थोड़ा सा एनोटेट करके दिखा रहा हूं, जैसे सीलिंग को समझने का तरीका बता रहा हूं आपको मैं। जैसे मान के चलिए कि कोई आपने नंबर लिया 2.3, तो इसका सील पता लगाना, विच इज व्हाट, 3.0। अगर आप 2.7 लिखेंगे तब भी आंसर क्या आएगा, 3.0। तो इस डेफिनेशन को पढ़ो, इट रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट डबल वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट हायर इंटीजर। तो 2.3 का नेक्स्ट हायर इंटीजर क्या होता है, 3। उसकी सबसे छोटी डबल वैल्यू क्या होती है, 3.0। तो बच्चा कई बार स्मॉलेस्ट से कंफ्यूजन में आ जाता है कि यार यहां पर एक्शन में तो 2.3 का 3 दिख रहा है जो कि बड़ा है, और यहाँ स्मॉलेस्ट अंग्रेजी से थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। बट नो, सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि नेक्स्ट हायर इंटीजर, 2.3 का नेक्स्ट हायर इंटीजर ये है और उसकी सबसे छोटी वैल्यू 3.0 है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी शायद। सो इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, उन्हें आप एक बार प्लीज
समझ लीजिए, दिस फंक्शन ऑलवेज रिटर्न, प्लीज ये तो नेगेटिव के लिए है, रिटर्न द डबल वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द आर्गुमेंट। जो आर्गुमेंट आपने डाला है उससे या तो बड़ी वैल्यू होगी या उसके बराबर की होगी। जैसे अगर आप 2.0 दे देते तो 2.0 ही रहता फिर, वो तो फिर इक्वल हो गया ना। बट आपको एक बात और समझनी पड़ेगी, जो नॉर्मल मैथ की बात बता रहा हूं आपको, मैं नॉर्मल मैथ की बात बता रहा हूं, इसमें नेगेटिव में वैल्यू अगर बढ़ती है तो फिर वो घटती होगी। जैसे मैंने कहा कि अगर इसी में एक बार करके दिखाना चाहूंगा, -2.3 होता और इसकी हमें सील वैल्यू पता लगानी पड़ती तो -2.0 होता भाई। देखो यहां पे मैंने ये लाइन लिखी है, दिस फंक्शन ऑलवेज रिटर्न, दिस फंक्शन ऑलवेज रिटर्न द इंटीजर पार्ट, दिस फंक्शन ऑलवेज रिटर्न द इंटीजर पार्ट ऑफ द नेगेटिव नंबर्स। ये फंक्शन जो है ना, ये फंक्शन वह बस नेगेटिव नंबर का बस इंटीजर पार्ट ही निकालता है। इसे एक एग्जाम्पल के साथ ही बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। तो मैंने यहां पर डायरेक्टली उस क्लास व्लास और मेन तो नहीं लिखा, बट उससे मिलती जुलती चीज, उससे मिलती जुलती चीज मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश की। जैसे सी लगाया 2.9, देखो क्या आ रहा है 3.0। मैंने यहां पर 8.2 लगाया, आंसर क्या रहा है 9.0। मैंने 3.7 दिया 4.0, -3.7 जब मैंने यहां पर दिया देन आंसर इज व्हाट। देख रहे हैं, जब नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव जहां पर आपकी नेगेटिव वैल्यू है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, नेगेटिव वैल्यू का इंटीजर पार्ट ही आता है। ये मैंने 6 दिया, सो यहां पर आप देख रहे होंगे 6 का 6.0 ही आ रहा है, वो तो बॉर्डर पे है ना। मामला ट्विस्ट कहां पर आता है, जब दशमलव के बाद कोई वैल्यू होती है उसके अंदर। अगर आपको ये समझ में आया है सो आप एक बार चैट बॉक्स में लिखिए अंडरस्टूड, सील का मतलब रूफ ऊपर जाना, बस इतना ध्यान रखना नेगेटिव में वैल्यू बढ़ेगी तो वो घटेगी। आई वॉन्ट टू सी योर कमेंट। मतलब नीचे फर्श की बात कर रहे हैं, फर्श नीचे आता है, इसकी डेफिनेशन में मत जाओ, आपको आंसर से डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। 2.8, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा, यहां पे आप वो वाली नॉलेज मत लगा देना यहां पे अपनी। कौन सी वाली नॉलेज मत लगा देना कि राउंड फिगर में होता है दशमलव 5 या 5 से अधिक, वो राउंड होता है। बट यहां पर मैंने ये फ्लोर नाम का मेथड यूज किया है और देख रहे हैं आप 2.8 का यहां पर क्या आने लग गया भाई साहब, देख रहे हैं 2.0, -3.2 का -3.2 का, अब देखना माइनस में वैल्यू घटेगी तो फिर बढ़ेगी। यही एक ट्रिक याद रखनी है बस आपको, -3.2 का क्या हो गया -4.0, ये तो अब आपके लिए सरल है। 16.48 का देखो 16.0 फ्लोर है ना, नीचे आएगा। -18.7 का क्या हो रहा है देखिए, -19.0। आप इतने ही कोड को क्लास बनाना, मेन मेथड बनाना, उसके अंदर इसे प्रॉपरली रखा जा सकता है। ये मेरा मैक्स फंक्शन है, ये किन्हीं दो वैल्यू में से एक वैल्यू आपको बड़ी बता देगा। अब आप ये इस फंक्शन की, इस मेथड की ये लिमिटेशन है, इस मेथड की यह लिमिटेशन है, इसकी लिमिटेशन क्या है, इस मेथड की लिमिटेशन यह है कि ये दो में से ही आपको कोई एक बड़ा बता सकता है, यह है आपको दो में से ही कोई एक बड़ा बता सकता है बस। ऐसा नहीं कि आपने 10 वैल्यू दे दी और उसमें से आपको ये कोई मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करके बता दे, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो ये दो फ्लोट हो गए, उसमें से बड़ी वैल्यू पता लग जाएगी। आर यू गेटिंग समथिंग?
ऐसे ये दो बड़ी वैल्यू, इसमें से बड़ी वैल्यू पता लग जाएगी। फ्लोट टाइप में तो फ्लोट रिटर्न कर रहा है, डबल टाइप है तो डबल रिटर्न कर रहा है, दो इंटीजर टाइप है तो इंटीजर रिटर्न कर रहा है। ये कुछ कहानियां मैंने आपको इसके अंदर बताई। रिटर्न वैल्यू, द फंक्शन रिटर्न्स द मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स। द फंक्शन रिटर्न्स, जो फंक्शन है, द फंक्शन रिटर्न्स मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स, दोनों में से कौन सा बड़ा है। जैसे 5 और 7 में से बड़ा कौन है, 7। 3.5, 1.27 इनमें से बड़ा कौन सा है, 3.5। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। ये कुछ कहानी मैंने आपको इसके अंदर बताई है। दिस फंक्शन रिटर्न्स द मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स। ये जो फंक्शन है वो दो में से ही तो किसी को बड़ा बताएगा। देख रहे होंगे आप 3.5 और इसमें कौन सा बड़ा है। ऐसे ही मिनिमम होता है, मिनिमम दोनों में से आपको सिंपल ये पता लगाना है कि छोटा कौन सा है। द फंक्शन रिटर्न्स द मिनिमम ऑफ टू नंबर, द डेटा टाइप विल बी द सेम एज दैट ऑफ द आर्ग्यूमेंट। अब मैं ये बताना चाहूंगा 5 और 7 में से छोटा कौन सा, 5। 3.5, 1.27 मैथ डॉट मिन 3.5, 1.27 तो उसका आंसर क्या है, दोनों में से छोटा कौन सा है, 1.27 ना। सो आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ऐसे सो मेनी मेथड्स आई हैव, ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं। एक रैंडम नाम का फंक्शन होता है, रैंडम मतलब रैंडमली कोई भी नंबर जनरेट कर देगा, बट उसकी शर्त ही होती है कि दैट नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 1.0। यानी लेस देन इक्वल टू नहीं होगा भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0.0 होता है एंड लेस देन 1.0। अब वो नंबर कुछ भी हो सकता है भाई, बट आपको ध्यान ही रखना है इसके बीच में ही वो नंबर होगा। और देखिए इसमें 0 पैरामीटर देते हैं, व्हाट काइंड ऑफ द वैल्यू इट इज रिटर्निंग, डबल टाइप। यह है किस तरह की वैल्यू रिटर्न कर रहा है बेटा, सो डबल टाइप की वैल्यू ये रिटर्न कर रहा है। यहां पे देखिए एक बार चलाया तो ये आंसर आ रहा है, दूसरी बार चलाया तो ये आंसर आ रहा है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। शायद एक फंक्शन हमारे पास राउंड होता है, एक फंक्शन हमारे पास कौन सा होता है बेटा, राउंड। ये राउंड फिगर में करता है, आप ये जानते हैं अच्छे से कि जब दशमलव के बाद वैल्यू, डेसिमल के बाद वैल्यू अगर 5 या 5 से अधिक है तो वो ऊपर, 0.5 से अगर नीचे है तो वो फिर फ्लोर की तरह वेव करता है। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है बताएं कि अगर किसी ने डबल टाइप की वैल्यू डाली है सो इट इज गोइंग टू रिटर्न लॉन्ग, और अगर इसमें वो कोई फ्लोट टाइप की वैल्यू डाल रहा है, किस तरह की वैल्यू डाल रहा है, फ्लोट टाइप की, तो फिर वो किस तरह की वैल्यू रिटर्न करता होगा, इंटीजर टाइप की। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर डबल टाइप की डाल रहा है तो लॉन्ग रिटर्न कर रहा है, अगर फ्लोट टाइप की डाल रहा है तो इंटीजर रिटर्न कर रहा है। That's it. ये कुछ कहानी आपको मेरी समझ में पता होनी चाहिए। अब आप यहां पे देखिए राउंड 12.3 का आंसर क्या आ रहा है, देख रहे हैं आप 12। 12.5 का आंसर क्या आ रहा है, 13। 12.7 का आंसर क्या आ रहा है, 13। 13.5 का क्या हो रहा है, 14। 13.8 का क्या हो रहा है, यानी कि ओवरऑल ये सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए, तो आपने देखा वो 0.5 लगाया तो ऊपर जा रहा है। आप तो बस ये राउंड फिगर एवरीबडी नोज, ये मैथ का सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है जिसे आपको इसमें समझना चाहिए।
स्क्वायर रूट वेरी मच इंपॉर्टेंट मेथड, पॉजिटिव नंबर का किसी का भी ये स्क्वायर रूट आपको बता देगा। आप यहां पर जो वैल्यू दे रहे हैं विच इज डबल टाइप, किस तरह की वैल्यू इसमें डाल रहे होंगे बेटा, डबल टाइप की, और ये किस तरह की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, डबल टाइप की ही ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है। उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। पब्लिक स्टैटिक डबल स्क्वायर रूट, क्या ही बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं। अब आप देखिए 16 का हमेशा ध्यान रखना, स्क्वायर रूट फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है विच इज द डबल, तो 16 डाला तो आंसर इज व्हाट 4.0। अगर हमने इसमें 81 डाला देन आंसर इज व्हाट 9.0, दिस इज व्हाट 4.0 ना, ये मेरा क्या 9.0। मैथ डॉट स्क्वायर रूट, हम यहां पर आए 16 का 4.0, ये 81 है और इसका आंसर कितना आ रहा है बेटा 9.0। ये बातें मेरी समझ में आपको समझ में आनी चाहिए। 16 का ये हो गया, 81 का ये हो गया। आप कितना भी बड़े से बड़ा नंबर आप इसमें डाल दीजिए, उसका आपको ये स्क्वायर रूट बता देगा। पाव फंक्शन होता है, पाव नॉर्मली इसमें दो पैरामीटर होते हैं, जो ए होता है वो बेस होता है और बी जो होता है वो एक्सपोनेंट होता है। यहां पर पैरामीटर का मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, दिस पैरामीटर इज द बेस, और जो दूसरा वाला है बी, दिस पैरामीटर इज द एक्सपोनेंट, दिस पैरामीटर इज द एक्सपोनेंट। सो दिस मेथड रिटर्न्स ए टू द पावर बी, दिस मेथड रिटर्न्स ए टू द पावर व्हाट, बी। क्या ये बात आपको भी समझ में आ रही है? दिस पैरामीटर इज द एक्सपोनेंट, दिस पैरामीटर इज द एक्सपोनेंट। सो ए टू द पावर बी हो गया ना, आप इसमें लगा सकते हैं। जैसे वेरिएबल में वैल्यू ले लो ए कॉमा बी, तो 30 की पावर 2 हो गया ना, 30 की पावर 2, देन आंसर इज दिस वन। आपने एक चीज देखी, इसका रिटर्न टाइप नॉर्मली मैथमेटिकल की जितनी भी चीजें हैं, नॉर्मली मैथमेटिकल की जितनी भी चीजें हैं उनका रिटर्न टाइप नॉर्मली डबल है। उनका रिटर्न टाइप नॉर्मली क्या है बेटा, डबल है। तो ए इज द बेस और बी इज द एक्सपोनेंट ऑफ दैट, बी उसका क्या है, एक्सपोनेंट है। सो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, दिस मेथड रिटर्न्स ए टू द पावर बी, दिस मेथड रिटर्न्स ए टू द पावर व्हाट, बी। ये कुछ कहानी मुझे आपको इसमें समझाने की, ए कॉमा बी लिखा बेटा, देन आंसर इज व्हाट 900, ये आंसर हमारा क्या है 900, 2.5 आंसर इज व्हाट 32.0, 32.0। ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको इसके अंदर बताए, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे लॉग करके एक मेथड बना हुआ है जो कि लॉगरिदम चीजें निकाल के देखा, इसका बेस ई होगा, डबल टाइप की वैल्यू लेता, डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, लॉग 10 का लॉग निकालना है, देन दिस इज द आंसर। बट यहां पर जो बेस होगा वो ई है, बट एक होता है लॉग 10। सो ये थोड़े से मैथमेटिकल फंक्शन है, आपको यहां पर आपका टेस्ट मैथ पे नहीं हो रहा है भाई, आपका जो टेस्ट हो रहा है वो तो जावा पे हो रहा है। आपको एक तो ये पता होना चाहिए, मैथ क्लास के जितने भी मेथड्स हैं वो सारे स्टैटिक होते हैं, ये सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं। आपको बस इतना समझना, जो वैल्यू आप इन मेथड्स में पास करेंगे वो रेडियन में होनी चाहिए। इफ दिस आर्गुमेंट इज जीरो देन रिजल्ट इज जीरो विद द सेम साइन एज द आर्गुमेंट। सो ये मेरा एक एग्जांपल है, दिस इज माय व्हाट एग्जांपल, मैथ डॉट साइन 0.0 देन आंसर वुड रिमेन सेम। तो ऐसे कॉस है, टेन है, अ साइन, अ कॉस, अ टेन। सो इन फंक्शंस को भी आप एक बार देख सकते हैं। यहां पर आप एंगल दे रहे हैं और उसकी जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो क्या है, रेडियन की फॉर्म में आ रही है।
यानी कि जो असाइन अकॉस और अटेन है उनमें जो डेटा डल रहा है वो डिग्री में डल रहा है और मिल किस में ना रेडियन में। यहां पर हम डेटा रेडियंस में डाल रहे हैं तो उसके जैसे आपको कन्वर्ट कराना है तो हमारे पास रेडीमेड मेथड है उसके लिए विच इज व्हाट टू रेडियंस और दूसरा वाला मेथड हमारा कौन सा है टू डिग्रीज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन टू रेडियंस और दूसरा कौन सा हमारा टू डिग्रीज। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ये कुछ छोटी छोटी कहानी मैंने आपको इसके अंदर बताई। इसके ऊपर एक छोटा सा प्रोग्राम आपको मैं पढ़ाना चाहता हूं। एक ये रेंट करके मेथड और है, ये आप और समझ लीजिए प्लीज, वेरी मच इंटरेस्टिंग मेथड। रेंट इज यूज्ड टू राउंड द आर्गुमेंट रेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस राइट। रेंट इज यूज्ड टू राउंड द आर्गुमेंट टू द नियरेस्ट, रेंट इज यूज्ड टू राउंड द आर्गुमेंट टू द नियरेस्ट मैथमेटिकल इंटीजर। रेंट जो है विच इज यूज टू वॉट राउंड द आर्गुमेंट टू द नियरेस्ट मैथमेटिकल इंटीजर। इसका सिंटेक्स क्या हो सकता है भाई? आपको मैं बताना चाहूंगा, इट रिटर्न्स द क्लोजेस्ट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू टू एक्स दैट इज इक्वल टू अ मैथमेटिकल इंटीजर पॉइंट वैल्यू टू एक्स इफ द आर्गुमेंट इज पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर नंबर दिस मेथड विल रिटर्न द नियरेस्ट वैल्यू। इसमें ये नहीं नेगेटिव है तो मतलब उल्टा चलता है मामला, नो। If two double value that are mathematical integer are equally close, this method will return the integer value that is even. इस कहानी को आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, देखिए 12.3। अब ये किसके ज्यादा नजदीक है, 13 के या 12 के? 12 के ज्यादा नजदीक है क्योंकि 5 से नीचे का मामला है। तो देखो आंसर क्या रहा, 12.0। रिंट की बात है 12.7। अब ये किसके ज्यादा नजदीक है, 13 के? Then answer is what? 13.0। मैंने यहां पर क्या लिखा, 7.9। What I have written, मैंने यहां पर क्या लिखा भाई, like this one, 7.9 तो 8.0 आ रहा आंसर। -3.3 अगर मैंने लिखा यहां पर, -3.3, then answer is what, -4.0। अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए 5 है ना तो ऊपर ही तो जाएगा, बट इसमें एक ट्विस्ट है, इसमें एक ट्विस्ट है कि अगर दशमलव के बाद 5 है और दशमलव से पहले अगर ये इवन नंबर है, इवन, तो फिर इवन की सुनी जाती है। 7.5 था, देखो दशमलव के बाद तो 5 है पर दशमलव से पहले तो ऑड नंबर है ना, तो फिर नेक्स्ट की तरफ जाएगा। उसका झुकाव लेफ्ट की तरफ कब होता है कि जब दशमलव के बाद तो 5 हो और लेफ्ट में उसके में इवन नंबर हो, यही इसका एक ट्विस्ट है भाई। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ मत जाना आप लोग। उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। जैसे 12.3, जैसे ये किसके नजदीक है, 12 के ज्यादा नजदीक है ना, तो 12.0, 12.7, 13 के ज्यादा नजदीक है, ये आ गया। कहानी में ट्विस्ट यहां आएगा कि देखिए -3.5 ऊपर जा रहा, देखो -4.0। यहां पर फ्लोर और सील वाला कोई फंडा मत लगाना आप लोग, बट 6.5 के अंदर 7 में क्यों नहीं गया, क्योंकि पॉइंट से पहले वो कैसा नंबर है, इवन नंबर है। अगर आपको ये रिंट समझ में आया है तो आप लिखिए विदियो, विदियो डब्ल्यू यू से भी काम चला सकते हैं आप लोग। ये अपने आप में बहुत ही एक ट्रिकी मेथड है, राइट? ग्रेट ग्रेट। ये सारे मेथड जो मैंने आपको पढ़ाए अभी तक, वो सारे का यहां पर एक जिस्ट दे रखा है। देखिए पाई एक कांस्टेंट है यहां पर, मैथ डॉट पाई, उसकी ये वैल्यू आ रही है।
इसके ऊपर एक प्रोग्राम आपको मैं पढ़ाना चाहता हूं, जिसमें मैंने जितने भी मेथड्स पढ़ाए हैं आपको उसके ऊपर एक छोटा सा मैं आपको डेमो पढ़ाने जा रहा हूं, उसे आप एक बार प्लीज देख लीजिए। सी, दिस डेमो इज फॉर मैथ क्लास, java.lang क्लास बन गई, दिस इज मेन। अब यहां पर आए हम, वेल इज इक्वल टू -5 और एक वेरिएबल ये बनाया abs वेल। अब आप देखिए यहां पे, अब मैंने लिखा मैथ क्लास के अंदर ये कौन सा मेथड है बेटा, abs। abs बोले तो एब्सोल्यूट वैल्यू, तुम तो एक मोटे तौर पे बात समझो, नेगेटिव का पॉजिटिव करता, अभी अभी पढ़ाया है, आप किसी को भी क्रॉस चेक करके देख लेना। सेव एज, हम ई ड्राइव में आए, हम डेमोज में गए और यहां पे आके मैंने लिखा बेटा math demo.java। आई हैव सेव्ड इट, मैं cmd में गया, आई एम इन ई ड्राइव, cd, डेमोज में आ गए और यहां पर आके java c math demo.java देख रहे हैं आप, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 इज, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 इज व्हाट, 5। जो -5 की जो वैल्यू है विच इज व्हाट, 5। उम्मीद करूंगा ये बात समझ में आ रही होगी आप लोग, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 इज 5। सो ऐसे ही आप दूसरा देख लीजिए, 9.0 का तो 9.0 है, 3.2 का 4.0 आ रहा होगा, देखिए ये आ रहा, माइनस में वैल्यू जब बढ़ती है तो घटती है, आंसर इज व्हाट, -7.0। ये सारी उसकी क्या है, फ्लोर वैल्यूज है, ये सारी उसकी क्या है, फ्लोर वैल्यूज है, ऑल फ्लोर वैल्यूज आर एज फॉलोज, 9.0, 3.0, -8.0। ऐसे ही और हम नीचे आए, ये सारी सील वैल्यूज हो गई हमारी। सो ये कुछ कहानियां मैंने इसमें आपको बताई, एक बार आप समझना। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, देखो राउंड बताया था, अगर आप फ्लोट डालोगे फ्लोट तो इंटीजर रिटर्न करेगा ये, अगर आप इसमें फ्लोट डालोगे मैथ डॉट राउंड, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, मैथ डॉट राउंड अगर आपने ये डाला हुआ है इसमें 9.5, तो इंटीजर रिटर्न कर रहा है, और अगर आप इसमें डबल डाल रहे हो डबल, देन व्हाट इट इज गोइंग टू रिटर्न, लॉन्ग। आई होप ये पॉइंट आप समझ लेना। देखो स्क्वायर रूट निकाला है 5 का, देखो एक्यूरेसी की हदें पार कर देता है। उम्मीद करूंगा आपको ये बात समझ में आई होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप इसे शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।